हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खुशी विलेज लाइफ व्लॉग्स में और मैं हूँ खुशी। तो दोस्तों काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी सीजन ठंडी का स्टार्ट हो गया है, ऐसे में अभी प्याज लगाने का टाइम भी हो गया है, तो आज हम लोग प्याज लगाने वाले हैं। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम लगा रहे हैं प्याज। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जहाँ पर हमने प्याज लगाने हैं उस जमीन को हमें इस तरह से ट्रैक्टर की मदद से खेड़ देना होता है। खेड़ने के बाद इस तरह से छोटे छोटे हमें क्यारे बना लेने होते हैं और उसके अंदर जो मिट्टी के ढेर होते हैं ना वो हमें साइड कर देने होते हैं। जहाँ पर मिट्टी का ढेर आ जाएगा तो अगर प्याज है वो दब जाएगा, इसलिए तो इसके अंदर हमने गोबर का यूज़ किया है। तो गोबर हमने यहाँ पर मिलाया है जो ज़मीन है उसके साथ, और उसके बाद हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यारे बना दिए हैं। तो जो प्याज की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो प्याज के बी होते हैं उसे पहले लगाए जाते हैं, और जब इस तरह से जब कच्चे प्याज हम बोलते हैं वो इस तरह से कच्चे प्याज हो जाते हैं तब हम दूसरी जगह पर लगाते हैं, हम उसे करायड़ा बोलते हैं। तो ये जब हम लगा रहे हैं जो उसे हम करायड़ा बोलते हैं, तो हम करायड़ा अभी दूसरी जगह पर लगा रहे हैं यहाँ पर। अभी इस तरह से लगाने के बाद हम इसमें पानी अच्छे से आ जाएगा तो ये अच्छे से एकदम से सेट हो जाएगा, और ज़्यादा हेल्दी है इसलिए 2-3 दिन अगर आप कहीं से भी निकालते हैं तो फिर ऐसे ही बाहर के वातावरण में रह सकता है और अच्छे से ये उग भी जाता है उसके बाद। तो ये 2 दिन हो गए हैं इसे ऐसे ही बाहर के वातावरण में रहे हुए, आज हम इसे लगा रहे हैं अच्छे से। तो मैं और मम्मी दोनों साथ में लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उंगलियों की मदद से किस तरह से इसे लगाया जाता है। तो इस तरह से पकड़ना होता है और एक एक करके सभी उंगलियों की मदद से यहाँ पर दोनों साइड हम लगा रहे हैं। अभी आप देख तीर्थ यहाँ पर ट्राई कर रहा है लगाने का, तीर्थ को काफी अच्छा लगता है इस तरह से काम करना और उसको बहुत ही रुचि है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि वो मेरे से भी अच्छी तरह से लगा रहा है, उसे काफ़ी अच्छी स्ट्रीक है लगाने की, तो वो बहुत ही फास्ट लगाते जा रहा है। वो सभी काम में हमारी मदद करता है तीर्थ, नहीं? तो दोस्तों अच्छे से यहाँ पर प्याज हमने लगा दी है, आप देख सकते हैं कि सारे प्याज अच्छे से लग चुकी है, और इसे हम करायड़ा जो बोलते हैं वो करायड़ा काफ़ी अच्छा था और बहुत ही हेल्दी था। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर करायड़ा हेल्दी होता है तो प्याज है वो बहुत ही अच्छी, और प्याज की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो हमने प्याज लगाई है वो ऑर्गेनिक है, इसमें हम कोई भी रासायनिक दवा का और खाद का यूज़ नहीं करेंगे, गौमूत्र और गोबर का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, और बहुत ही अच्छे से ये बड़ी और पक जाएगी, काफ़ी अच्छे से साइज़ भी बनेगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये प्याज लगाने का थियरी कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, मेन बात कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।